मेरा प्यारा बेटा तेरे होकर मेरी माँ का सहारा बनेगा। सुपर्णा अच्छा बोल ठीक है बेटा लो मेरा नाम हाय पता नहीं कहाँ रह गया है। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। अल्लाह खैर करे कॉल करके पूछती हूँ कहाँ गया है। अस्सलामुअलैकुम माँ। वालेकुम सलाम बेटा मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी इतनी देर हो गई। हाँ बस आज काम थोड़ा ज्यादा था। ओ बेटा बैठो चाय मैंने तुम्हारे क्या करके रखी थी। माँ पे कुछ खबरी नहीं थी आज मैंने। क्या हुआ बेटा? मेरा प्रमोशन हो गया और ये रहा आपके लिए मिलता है। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें खुश रखे अल्लाह तुम्हें ऐसे ही काम आ गया तेरे बेटे। मेरे सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बेटा मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पाला है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे बचपन में हमें छोड़ के चले गए थे। अब मेरे बुढ़ापे का सहारा सिर्फ तुम ही हो। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे और बुलंदियों तक पहुंचाए। इंशाल्लाह अल्लाह और तरक्की दे। बेटा मैंने तुमसे एक और बात भी करनी थी। जी अपने हुक्म करें। तुम्हारी खाला साहब का दर्द नहीं बता लिया जब तुम 2 साल के थे तुम्हारा हमने उसका ऐसा तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। तो अगर तुम्हें कबूल हो तो हम बात आगे करेंगे। मुझे आपका हर फैसला कबूल। माशाल्लाह माशाल्लाह जान कैसी बबू मेरी खुश रहो हमेशा आबाद रहो। बहुत खूबसूरत लग रही माशाल्लाह। अपने हाथ इधर करो बेटा। अम्मी ये क्या है? बेटा ये हमारे खानदानी चूड़ी है। ये मेरी सास ने मुझे दी थी और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। इनको बहुत संभाल के रखना। बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। बस इनको संभाल के रखना ठीक है। तुम हमेशा मेरी बेटी जैसी होगी। जी अम्मी आज से ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी और मेरा बेटा साथ भी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप हमारी सुना। इंशाल्लाह 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 मेरे बेटा बहुत बहुत ख्याल रखना ठीक है बेटा। ओहो ये साथ के लिए चला गया। रुको बेटा मैं उसको भेजती हूँ। तुम्हें कुछ चीज चाहिए हुई तो मुझे बता देना ठीक है। खुश रहो। ओह कितना बोलती है ये बुढ़िया। और ये साथ पता नहीं कहाँ रह गया है। और इस बुढ़िया को तो मैं बता चुका हूँ। अरे वाह माँ ने तो रखी चूड़ियाँ दी। वैसे आज माँ क्या लगा रही थी? अम्मी को छोड़े बताए मैं कैसी लग रही थी। आज मेरा दिन है तारीफ का हक भी तो मेरा ही बनता है। तुम्हें कैसी लग रही थी? मेरे ये का पता नहीं चल रहा था। आप हर बात अम्मी का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला। मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से पाला है तो उनका तुम ताल का बहुत आप बार बार अम्मी की बातें कर रहे हैं क्या मैं आपको पसंद नहीं आ रही? माँ का भी अपना मुकाम है तुम्हारा अपना मुकाम है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका भी ख्याल रखूं और आपका। वो तुम्हारे साथ मुझे अच्छे रहेंगे। जी सर मैं सोच रही थी आज मूवी देखने जाएं। हाँ चलो मैं अम्मी से पूछ लेता हूँ। नहीं अम्मी से मैं पूछ रही हूँ आप रेडी हो जाएं। चलो एक तो ये बुढ़िया बहन का बचाना छोड़ेगी। आओ बेटा बैठो। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कब छोड़ेगी मेरे शोहर की जान? क्यों बार बार भूल जाती है कि अब वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है मेरा शोहर भी है। हुआ क्या है बताओ तो। जब देखो अम्मी ने ये कर दिया अम्मी ने वो कर दिया मेरी अम्मी ऐसी है मेरी अम्मी वैसी है तब आ गई हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रही हो? उम्मीद भूल चुकी हो अपनी? और जो हुआ है ना वो तो आप रहने ही दे। पहले
सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि हम बाहर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और जब मैं आऊँ तो खाना बनाओ, और हाँ सफाई भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मामा, हम आ गए। मैंने गाड़ी का जरा चेंज करने के लिए बात की है। बाहर हो रही है आप, क्या हुआ है माँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, जब हम जा रहे थे ना तो अम्मी के सर पे दर्द था, कैसी हैं आप? मुझे तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है। टाइम पे खाना देती हूँ, टाइम पे मेडिसिन देती हूँ, मेरे से तो जितना हो सकता है मैं देती हूँ, और अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है जी मम्मी। माँ भी तबीयत ज्यादा खराब रहती है। अम्मी को नहीं, नहीं हम अम्मी को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, आप खाना खा जाना। खाने को माँ बैठे आराम से रेस्ट करें, किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। जिस मकसद के लिए आई थी वो तो मैंने पूरा कर ही लिया, और साद कौन है अब साद के पास? थोड़ा सा मुंह जल गया तो क्या हुआ, तो अब मेरा ही है, कोई बात। मकान एक्टिंग करने की जरूरत नहीं मेरे सामने, माफ कर दो। आखिर मेरी माँ ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों तुमने उनके साथ ऐसा सलूक किया? बैठो यहाँ पर। आखिर उनकी गलती क्या थी? तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों किया? क्या कमी थी प्यार में? माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। मेरी माँ किधर है? इनके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझे उस वक्त कोई और जगह अच्छी महसूस नहीं हुई जहाँ इन्हें लेके जाए, इससे अच्छी जगह तो कोई और नहीं थी, तो मैंने कहा कि आप यहाँ इनका ज़्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। ठीक है, आपका इनसे रिश्ता क्या है? मैं इनका पड़ोसी हूँ, हम लोग 10 साल से इकट्ठे रह रहे, तो इनका नाम इंटर कर दें, यहाँ रहने की जगह दे दें। ठीक है, आप ऐसा करेंगे फॉर्म फिल करके? ठीक। अच्छा नंबर में इनका भी, इनके बेटे का भी लिख देता हूँ और अपना भी लिख देता हूँ। ठीक है।
ठीक है, अगर किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कहें और इनके बेटे से रابطہ कीजिए। ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो ठीक है, मैं फिर इसमें फ़ोन सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप इनका ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल, और किसी किस्म की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे या इनके बेटे से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है। माँ जी इजाज़त चाहता हूँ, किसी किस्म की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा जरूर। उमर जी, इनको इसका कमरा दिखा रही हूँ, और माँ जी ये यहाँ के मैनेजर हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप इन्हें बता सकती हैं। आइए आप हमारे साथ आइए। यहाँ पे रह रहा है ये आपका बिस्तर है और आपके साथ यहाँ पे दो और लोग रहेंगे। अगर आपको कोई भी चीज जरूरत होगी आपने हमें बताना है। और आपने कुछ खाया? चलिए हम आपके खाने का भी इंतजाम करते हैं, आप यहाँ पे आराम से आराम से। ठीक है, हेलो, हम सारा ओल्ड एज होम ट्रस्ट से बात कर रहे हैं, आपकी माँ वफात पा चुकी हैं, आप आके उनकी मैयत ले जाइए। जी अल्लाह, ये क्या हो गया आपको? माँ उठो, मैंने क्या कर दिया? ये तो आपको करने से पहले दर्द बिछुआ।